बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूएसओ आर्टिकल 53, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ टू प्रूव, कितनी स्टेटमेंट प्रूव की जाएगी अगर कोई मैटर बहुत ज़्यादा मवाद है, मतलब जैसे कि बैंक अकाउंट है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है पूरे साल की, तो उसमें इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं पेश की जाएगी, उतना ही मैटर जितने के रिक्वायर्ड है कोर्ट में उतना भेजा जाएगा। जैसे ये बुक्स के वॉल्यूम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज़ बनी होती हैं, तो वो सारी की सारी उठा के कोर्ट में नहीं पेश की जाती, सिर्फ उसका रेलिवेंट जो टॉपिक है वो दिया जाता है। जैसे कि कोर्ट में जब केस लॉज पेश किए जाते हैं तो वो पीएलडी में अगर फॉर एग्जांपल पब्लिश हुआ हुआ कोई केस लॉ है, रिपोर्टेड जजमेंट है, तो वो पूरी पीएलडी की बुक उठा के कोर्ट में नहीं दी जाती, बल्कि उसका वो जो रेलिवेंट जजमेंट है वो उसका प्रिंट निकाल के वो कोर्ट में दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 53 इसी हवाले से डील करता है। पढ़ते हैं क्या कहते हैं, व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स ऑफ पेपर। अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो पार्ट है किसी कन्वर्सेशन का, किसी डॉक्यूमेंट का, या बुक का, या सीरीज ऑफ लेटर्स का या पेपर्स का जो कि एविडेंस के लिए ज़रूरी हो, व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म्स पार्ट ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट और ऑफ अ कन्वर्सेशन और पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट और इज कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक और ऑफ अ कनेक्टेड सीरीज और लेटर्स और पेपर्स, एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स एज द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर केस टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड ऑफ द सर्कमस्टांसिस अंडर विच इट वॉज मेड। तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं पेश की जाएगी, पूरी की पूरी बुक नहीं आएगी, पूरी की पूरी सीरीज ऑफ लेटर नहीं आएंगे, बल्कि जितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जो उससे रेलिवेंट है वो सिर्फ कोर्ट में पेश की जाएगी, जो कि कोर्ट समझती है कि उस सर्कमस्टांसिस के हवाले से जो केस है उससे रिलेट करती है, तो फिर पेश किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।